अभी यहाँ पे हम 3 digit नंबर लिखने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 2 नंबर वर्क प्रॉब्लम सेट 2 यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 राइट 2 digit, 3 digit, 4 digit and 5 digit नंबर्स ईच। जैसे हमने 2 digit नंबर्स लिखा, जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा, फिर हमने 2 digit नंबर्स लिखा कि 2 digit नंबर आप कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कोई भी, लेकिन आपका 2 digit नंबर लिखना। जैसे हमने 10 लिखा, 24 लिखा, 36 लिखा, 48 लिखा, 55, 63, 74, 88, 96 लिखा। तो इसी तरह हमें 3 digit नंबर बनाना है। तो 3 digit नंबर बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 to 9 नंबर लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, अभी हम 10 तो नहीं लिख सकते, हमें सिंगल फॉर्म में बनाना है। हाँ, और 3 digit नंबर बनाना है। जैसे हमने 0 यहाँ से ले लिया और इसका हमें 3 digit नंबर बनाना है। जैसे मैंने 103 बनाया, 225 बनाया, कोई भी बना सकते हो, 346, 423, 565 एंड 663 और 752 एंड 893 एंड 945। ये आपके 3 digit नंबर हो गए, 103, 225, 346, 423, 565, 663 एंड 752 एंड 893, 945। ये आपके 3 digit नंबर्स हो गए। तो इन्हें हमें अभी नंबर इन वर्ड्स में लिखना है। ये हो गया 225, 46 700 and 52, 800 and 93, 900 and 45। तो आपने देखा कैसे 3 digit नंबर को हमने पहले लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, फिर 3 digit नंबर बनाया, फिर से हम नंबर इन वर्ड्स में लिखा।